हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। इट्स मी इज़दान, मम्मा की जान। होप यू आर डूइंग गुड। तो कैसे जा रहे हैं रोजे? आप सभी लोग को रमजान का 13वां रोजा मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कांडी। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है चिकन। चिकन में अभी हम डालेंगे 3 चम्मच हरा मसाला, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और थोड़ा ऑरेंज कलर। अगर आप लोग के पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो ऑरेंज कलर मत डालना। थोड़ा पिज्जा मसाला, जिदन सोया सॉस खोल दो। ये 1 चम्मच रेड चिली सॉस। सोया सॉस डालिए। अब हम इसमें 1 अंडा डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा टेस्ट के हिसाब से नमक, स्वाद अनुसार। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके 1/2 घंटा रखना है। तो चिकन को मसाला लग चुका है। अभी हम जब तक ये काटेंगे शिमला मिर्च, तो चिकन को मसाला लग चुका है। मैंने शिमला मिर्च काट दिया है। अगर ग्रीन भी रही आप लोग के पास तो चलेगा, और ये प्याज काट दिया है ऐसे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें हरी शिमला मिर्च। आप लगाएंगे हम इसमें प्याज। अब कौन सा जाएगा? रेड कैप्सिकम। अभी ऑनियन। एक और डालेंगे ना। ओके, अभी सेम प्रोसीजर जो है वो बाकी सारे में भी फॉलो करेंगे। किसी को तुम्हारे भाई भी आ गए? आ गए सब। मतलब कितने लोग आ गए? चलो फाज़िदान, टाइम बहुत कम है। एक्चुअली चिकन कांडी का ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, देख के क्या लगता है मालूम? स्कूल टाइम्स में जो क्राफ्ट के होमवर्क मिलते थे ना, उस टाइप का कोई होमवर्क टाइप कुछ है ये रेसिपी। देखने में उतना ही मजा आता है, खाने में भी उतना ही मजा आता है। तो जैसे कि ज़िदान मम्मा की मदद करते हुए मैदान में उतरे है। IPL फीवर चल रहा है तो कुकिंग करते करते भी मम्मा कमेंट्री देते हुए। ज़िदान मेरा हाथ तुम्हारे हाथ को लग जाएगा और तुम्हारा हाथ भी लग जाएगा। तुम लोग की बातों पे ध्यान मत दो, ये मैं कैसे लगा रही हूँ उस पे ज्यादा ध्यान देना। थैंक यू ज़िदान। अगर चाहते है कि बातों पे ध्यान ना दो तो बातें मत करो। नहीं, मतलब के बातों पे भी ध्यान दो, हम लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, पर कुकिंग पे भी ध्यान दो, ठीक है? तो ये चिकन कांडी हमारी हो चुकी है तैयार, फ्राई के लिए। फ्राई होने के लिए तैयार हो चुकी है। इतने रोजे हो गए, मैंने ये अभी फर्स्ट टाइम बनाई। कितने रोजे हो गए? 13 ना? 13। तो इसे हम फास्ट गैस पे ही पकाएंगे। जब तक हमारा चिकन कांडी पक रहा है तो दूसरी तरफ हम डालते हैं समोसा। आओ जिनान मेरी हेल्प कर रहा है। गुड बॉय, मुमाज बॉय। अभी हम इसे पलट देंगे। माशाल्लाह एकदम अच्छे से पक चुका है। एक एक करके हम इसे इसमें डालेंगे ताकि तेल निकलते जाए। तेल निकल चुका है, हम इसे एक एक करके इस
प्लेट में रख दिया। तो अभी हम ये जिदान ने मुझे बना के दिया है, तभी हम इसे भी एक एक करके पकने के लिए रख देंगे। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं आइसक्रीम रबड़ी फालूदा। तो कैसे बनाते? हाँ मेरे टाइम में। तो आइए कैसे बनाते बताती हैं। आइसक्रीम रबड़ी और ये फालूदा सेवई है, आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। ये सब्जा है जिसको मैंने आधा घंटा पहले 2 चम्मच लेके पानी में भिगा के रखा था। और ये रूह अफ़ज़ा, पानी गर्म हो चुका है तो ये मैं पूरा बॉईल नहीं करूँगी क्योंकि मैं एक ही प्लेट बना रही हूँ, तो मैं इसे आधा बॉईल करूँगी। ये जब तक ये बॉईल हो रहा है ना, तो मैं आइसक्रीम को फ्रीजर में रख देती हूँ, वो तो मेल्ट हो जाएगी। तो इसे एक 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। अच्छे से हमारी सेवई पक गई है, तो हम गैस को ऑफ करेंगे, गरम पानी को छान लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी मिला देंगे। अरे ये तो मैगी लग रहा है। मैगी लग रहा है लेकिन टेस्ट से लगे ना। तो हमारी सेवई एकदम तैयार हो चुकी है, तो अभी हम फ्रीजर से निकाल रहे हैं आइसक्रीम को। तो ये कुल्फी मलाई स्लाइस, अभी हम इसके छोटे छोटे से पीस करेंगे जल्दी जल्दी, नहीं तो टाइट हो जाएगी। जल्दी जल्दी, वाह। तो चलो चलो, टाइम बहुत कम है, इस पे डाल देंगे हमारी सेमी। अभी हम इस पे डाल देंगे सब्जा। और ये देखो दीदी, गुलाब जल खुल गया। ओहो हो, रबड़ी। अभी हम इसमें डाल देंगे रूह अफ़ज़ा। आइसक्रीम रबड़ी फालूदा हो चुका है तैयार। तो जल्दी जल्दी आ जाओ। और मैं भी हूँ तैयार टेस्ट करने के लिए। तो जिदान तुम तो खाते नहीं हो, तो तुम जाओ उधर और सामने को भेज दीजिए। हाँ। जल्दी जल्दी आ जाओ। ओके। लाइफ इज लाइक आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। तो आज की रेसिपी है चिकन कांडी आइसक्रीम रबड़ी फालूदा। तो खुद भी खाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए। तो ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, फिर कल हम आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज, दो में याद रखना और जब तक अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज, बाय हाफिज। इट्स मी ज़िदान, बाय बाय, लव यू ऑल। इट्स मी ज़िदान, मम्मा की चाय। ये अल्लाह हाफिज, बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।